डिसएडवांटेजेस के बारे में देखो क्या रहता है ना कि ये थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है टीवीएस की, जिसकी वजह से है ना इसके स्पेयर पार्ट इतनी जल्दी नहीं मिलते। मिल जाते हैं, टीवीएस के सर्विस सेंटर की कनेक्टिविटी अच्छी है, बट इसके अंदर आपको टाइम लगने वाला है रेदर देन आप कोई छोटे सेगमेंट की बाइक ले। चैनल एवरीवन, तो भाई आज हमारे पास टीवीएस की अपाची RTR 310, जो कि भाई बहुत ज़्यादा रेयर तो नहीं कह सकते, बट हाँ प्रीमियम में इतनी है कि रेयर हो जाती है, इतनी महंगी आती है ये। लेने की इच्छा काफ़ी लोगों की जगती है, बट इतनी महंगी हो जाती है ना कि लोग निगलेक्ट कर देते हैं इसको और एक R15 की तरफ चले जाते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि गाइस क्या क्या ऑफरिंग मिल जाती है इसके अंदर, क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं, क्या इसका रिव्यू रहने वाला है, कितने की पड़ जाती है, क्या एवरेज देती है, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और क्यों ये औकात से बाहर चली जाती है इसके बारे में भी बात करेंगे। कहने को तो गाइस देखो वक्त के साथ चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, बट ये एक ऐसी लौती बाइक है जो वक्त के साथ और ज़्यादा महंगी हो गई। कैसे? BMW ने ये सेम बाइक अपने ब्रांडिंग के अंदर लॉन्च करी और 16-17 हज़ार रुपये महंगा लॉन्च कर दिया इसको। देखो अब BMW ने ये सेम बाइक कैसे लॉन्च कर दी वो मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताता हूँ। टेक्निकली BMW और TVS मिलके एक बाइक बनाते हैं जिसका नाम है RR प्लेटफॉर्म, ठीक है। 310cc का प्लेटफॉर्म है जिसपे आपकी GS 310 RR और अपाची RTR 310 बेस होती है, ठीक है। ये सारी ये गाड़ी है ना जो है ना BMW और TVS मिलके बनाता है, तो इसके इस वजह से ये दोनों गाड़ियाँ सेम ही दिखती है, सेम अलग अलग ब्रांड्स के अंदर, ब्रांड्स अलग हैं बट गाड़ियाँ सेम हैं, बट ऑफरिंग्स और कुछ आफ्टर मार्केट ऑफरिंग्स और कुछ आफ्टर सेल्स फैसिलिटीज़ हैं वो अलग अलग है इन दोनों के अंदर। उन्हीं के बारे में बात करने वाले गाइज हम कि क्या मिल जाती है ऑफरिंग इस वाली बाइक के अंदर, क्या मिल जाती है BMW के अंदर आपको, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 310cc का इंजन आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही अलग सिंगल सिलेंडर इंजन है, क्योंकि ये जो है ना ऐसे में है, ठीक है। ऐसे में बोल लो कि मतलब मान लो कि एक अलग कोई भी गाड़ी देख लो अपने आसपास की, उसका जो हेड होता है ना सिलेंडर हेड वो आगे की तरफ टिल्ट होता है या सीधा होता है। अपाची एक ऐसी लौती बाइक है RTR 310 जिसका ये जो हेड है ना ये ऐसे पीछे की तरफ टिल्टेड है, जिसकी वजह से ना इसको टॉर्क बहुत ज़्यादा मिल जाता है, बट इसका जो इंजन डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मान लो कि आप ये गाड़ी ओन करते हो, आपने सेकंड हैंड भी ली, उसके बाद जो इसका इंजन में अगर कोई काम होगा ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, आप लोकल मैकेनिक से करा ही नहीं सकते। और जो TVS होने हैं और जो TVS है वो आपको एक भारी भरकम रकम चार्ज करने वाला है इसके इंजन रिपेयर्स के ऊपर। तो गाइस इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर 310cc का इंजन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर प्रोड्यूस करता है गाइस। ये गाइस लगभग लगा लो 160-170 तक चली जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। बट जैसा कि मैंने कहा कि लोग R15 की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो 150cc होने के बाद 150 पर चली जाती है भाई, तो जाएंगी, साफ सीधी बात है। अगला पॉइंट पर आते हैं कि ये गाइस गाड़ी आपको क्लोज टू देखने को मिल जाती है 3.5-4 लाख के बजट में, और जो अपनी R15 है वो आ जाती है 2-2.5 लाख के बजट में। तो क्यों नहीं जाएगा बंदा एक R15 के ऊपर रेदर देन RR 310, ठीक है। तो RR 310 लुक्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है मुझे, यूँ लगा लो कॉम्पिटिटिव है R15 के साथ, थोड़ी चौड़ी भी दिखती है, बट गाइस माइनर सा ही फ़र्क होगा जिसकी वजह से लोग R15 को चूज़ करते हैं। नो डाउट बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगती है मुझे इस बाइक की, बट जो स्पेयर पार्ट्स है ना वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं इस बाइक के। लाइक इसका जो स्टॉक साइलेंसर आता है, इसके अंदर तो नहीं लगा हुआ है, जो स्टॉक साइलेंसर आता है मेरी पहले वाली वीडियोज़ में देख सकते हो, वही 16-17 हज़ार रुपये का है। और जो मान लो कि एक नॉर्मल बाइक आती है R15 है, उसका आपको 3-4 हज़ार रुपये का देखने को मिल जाता है आफ्टर स्लिप ऑन वाला जो होता है पोर्शन। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स लगते हैं मुझे गाइस इस बाइक के। और देखो 310cc का इंजन है, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और टॉप स्पीड अचीव करना चाहिए, लाइक कम से कम 190 इतना तो जाए, क्योंकि देखो गाइस अब नया वाला प्रीला लॉन्च हो गया 451, ठीक है। तो वो गाइस खींचने वाली बात तो अलग है, लेकिन वो 200 तक का टॉप स्पीड अचीव कर लेता है, जबकि मेरे को लगता है कि अपाची भी BMW के साथ मिलके ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ज़रूर प्रोड्यूस कर सकता है जो कि इतना टॉप स्पीड अचीव कर सके। मैं जानता हूँ कि थोड़ा बजट बढ़ जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा,
कुछ फीचर्स और एड ऑन हो जाएंगे, बट मुझे लगता है ना गाइस, अगर आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे हो ना, तो आपको मार्केट में कुछ अलग प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। उसके हिसाब से इस ये बाइक की लुक भी काफ़ी अच्छी है, तो उस हिसाब से थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आप बढ़ा के इसको थोड़ा टॉप स्पीड रिफाइन कर दो, तो ये काफ़ी अच्छी कंपटेटिव बाइक हो जाएगी निंजास के साथ लड़ने के लिए या अप्रीलिया के साथ लड़ने के लिए। तो वो चीज़ एक चीज़ है गाइज। इस पर्टिकुलर बाइक के बारे में बताऊँ तो इसके अंदर आपको एक SC का आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है, ओरिजिनल नहीं है मैं जानता हूँ, बट काफ़ी अच्छी साउंड प्रोड्यूस ये कर देता है। फ्रेम स्लाइडर्स इसके अंदर लगे हुए हैं, और ये जो मास्टर सिलेंडर आप देख रहे हो ये फेक है, ठीक है, खाली इसके अंदर ये कैप्स लगे हुए हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। इसके अंदर आपको वायर्ड वाले ही देखने को मिल जाता है, खाली इसमें फ्लूड भरा हुआ है, जो कि आपको अमेजोन वगैरह पर देखने को मिल जाएगा, आप अपनी बाइक में भी लगा सकते हो। कार्बन रैप हो रखा है इसके ऊपर, और ये बाइक और चीज़ों में एवरेज के बारे में बताऊँ, अगर आप रिव्यू परस्पेक्टिव से या सेकेंड हैंड लेने की या नई बाइक लेने की सोच रहे हो, तो ये बाइक आपको क्लोज टू 30 से 35 का फ्यूल इकोनॉमी देने वाली है। और गाइस जैसा मैंने कहा कि इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा महंगी है, तो मेंटेनेंस इसकी लगभग 3,500-4,000 रुपये पड़ जाती है एक सर्विस की। अगर उसके अंदर कोई और पार्ट्स चेंज हुआ या कुछ और हुआ तो वो चीज़ अलग है गाइस, क्योंकि ये थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है, तो इसमें थोड़े खर्चे आ सकते हैं, तो वो दिमाग में रख के चलना गाइस, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, इसमें आपको अंदर पूरी LED यूनिट देखने को मिल जाती है, और ये पूरा LED है, इंडिकेटर्स भी LED हैं इसके, और ये वाला लाइट्स भी LED है, जो कि अगेन बहुत महंगा है, ठीक है, और बट क्वालिटी बहुत अच्छी गाइस, ठीक है। और इसके अंदर जो मीटर है ये भी अब आपको TFT देखने को मिल जाता है नए वाले मॉडल्स में, और इसके अंदर आपको USD फोक्स देखने को मिल जाते हैं, जिनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। गाड़ी बहुत ज़्यादा चौड़ी लगती है, जो कि मेरे को बहुत सही लगता है। पीछे आपको इसके अंदर स्टॉक में तो इसका गाइस 150 सेक्शन का टायर आता है, इसके अंदर अपग्रेड करके 160 लगा रखा है, जो कि बहुत सही लग रहा है। मिशलिन का टायर है ये। लुक्स में तो गाइस कोई तोड़ ही नहीं है भाई, मतलब बहुत अच्छी लगती है बाइक ये, जैसे कि आप देख सकते हो ब्लैक कलर में। ये पुराने वाला ब्लैक कलर है और ये नए वाला ब्लैक कलर है इसका, जो कि ग्रे के थोड़े टिंट के साथ आता है। एग्जॉस्ट इसमें भी चेंज हो रखा है गाइस, एक्रा का लगा हुआ स्लिप ऑन आफ्टर मार्केट है, ओरिजिनल नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी लुक्स दे देता है भाई। इसके अंदर इंडिकेटर भी लगा हुआ चेंज्ड। बात कर लेते गाइस और चीज़ों के बारे में, डिसएडवांटेजेस के बारे में। देखो क्या रहता ना कि ये थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है TVS की, जिसकी वजह से है ना इसके स्पेयर पार्ट इतनी जल्दी नहीं मिलते। मिल जाते हैं, TVS के सर्विस सेंटर की कनेक्टिविटी अच्छी है, बट इसके अंदर आपको टाइम लगने वाला है, रेदर देन आप कोई छोटे सेगमेंट की बाइक लेते हो TVS की, तो एक चीज़ वो देखना, क्योंकि बाइक लेना ही सब कुछ नहीं होता, बाइक मेंटेन भी करनी पड़ती है उसके बाद, क्योंकि आप रोड पर चलाओगे तो चीज़ तो घिसती है ना भाई, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो यही था इसके लिए रिव्यू आज हमारा, थोड़े डिसएडवांटेज ज़्यादा है गाइस आई नो, बट भाई जो सच्चाई है वो तो बतानी पड़ेगी ना सबको। तो ये था इसका रिव्यू आज का, कुछ रह रहा है हमसे तो आप ज़रूर से हमें बता सकते हैं। आप एक RR ओनर हैं, आप इस बाइक को ओन करते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम्स या कोई एडवांटेज आप फेस कर रहे हैं अलग से, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लोगों की हेल्प हो जाएगी। इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ रिव्यू वाले और ट्रैवल वाले, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।